दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहले एपिसोड नहीं देखी है, एक बार उन वीडियोस को भी जरूर चेक कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जैक उस डैनियल के साथ मिलकर ड्रैगन हार्ट को लाने के लिए फैसला कर लिया था, और इसके बदले में डैनियल उसे मेडिसिन और टेल्स भी दिया था। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैक और डैनियल यह दोनों ही ड्रैगन हार्ट को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और फिर वो दोनों एक रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां डैनियल मैप को देखते हुए कंफ्यूज होते हुए कहता है, शायद बाई तरफ जाएंगे या फिर दाएं तरफ जाएंगे। तभी जैक की बहन उस मैप को ले लेती है और कहती है, तुम इस मैप को उल्टा पकड़ के देख रहे हो। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो डैनियल कहता है, इसे रिवर्स थिंकिंग कहते हैं, भला तुम इसके बारे में क्या जानोगे। यह सुनकर वह सभी और ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी जैक डैनियल से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम सब मेरे पीछे आओ। तो वो सब आगे चलने लगते हैं, और कुछ आगे जाकर वह सभी लोग गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर जैक हैरान हो जाता है, यह सब लोग कहाँ गायब हो गए। तभी उसको अंधेरे में एक लड़की देखती है, जिसे देखकर जैक उस पर अटैक कर देता है, पर वो अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेती है, जिसे देखकर जैक कहता है, सारा तुम यहाँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ होगी और मैं तुमसे यहाँ मिल सकूँगा। तो सारा कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ एम्पायर के इनहेरिटेशन को लेने आए हो। यह सुनकर जैक अपने मन में कहने लगता, मैं तो सिर्फ यहाँ ड्रैगन हार्ट को लेने के लिए आया था, मुझे तो यह पता ही नहीं था ड्रैगन हार्ट के अलावा बहुत सारी खजाना होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फिर जैक सारा से कहता है, मैं तो नाइट में कुछ काम के लिए आया था, थोड़ा बोर हो रहा था। तो सारा कहती है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर तुमने मेरी बाई को मारने की कोशिश की। तो जैक कहता है, अगर उसकी दोनों टांगे कट भी गया तो क्या होगा। यह सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आता है, और वो जैक पर अटैक कर देती है, जिस पर जैक एक काउंटर अटैक करता है, जिससे वो दोनों के अटैक खत्म हो जाते हैं। तभी वह लड़की एक और अटैक करती है, पर जैक उसके अटैक से बचते हुए उसके पीछे चला जाता है और सारा पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए सारा एक शील्ड बना देती है, पर जैक के अटैक पावरफुल होने के कारण सारा को जाकर लगती है, जिसे सारा बहुत दूर जाकर गिरती है। और फिर वो जैक से कहती है, एक ऐसा कमजोर लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो जैक उसे कहता है, लगता है तुम खुश नहीं हो मेरे पास इतनी पावर होने से। तो सारा अपनी जान बचाने के लिए कहती है, मेरा भाई फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तो जैक कहता है, बना रहे हो। तभी वह उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी उनके ऊपर एक ड्रैगन सील्ड आकर रुकते हैं, जिसे जैक बच जाता है। और फिर वहाँ एक लड़का आता है, जिसे देखकर जैक कहता है, प्रिंस यहाँ। फिर वो लड़का सारा के पास आकर कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरी क्वीन यहाँ होगी, मैं तो अचानक यहाँ पर उड़ते हुए आ गया। फिर वो जैक से कहता है, तुम्हें पता नहीं है आने वाले दिनों में यह मेरी वाइफ बनने वाली है, तूने इसे नुकसान पहुँचाए है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो अपनी तलवार निकलकर जैक पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर जैक उसके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है। अब प्रिंस उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है, तुम्हारे बॉडी कल्टीवेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो तुम कितनी पावरफुल हो अभी पता चल जाएगा। यह कहती है प्रिंस बहुत सारे अटैक को जैक पर कर देता है, पर जैक उसके सभी अटैक को बड़े ही आसानी से अपने हाथों से ही रोक लेता है, जिसे देखकर वो प्रिंस भी हैरान होता है। और अब जैक कहता है, अब मेरे अटैक से तुम्हें डैमेज पहुंचेगा, इसे तुम कोई भी मेडिसिन लगाओ फिर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। जो सुनकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी ड्रैगन सैंड को बाहर निकाल लेता है और एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, और जैक से कहता है, तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो सारा उसे कहती है, तुम थोड़ा ध्यान रखना, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तभी जैक अपनी फुल स्पीड से प्रिंस पर अटैक कर देता है और फिर वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी ओर जैक एक जगह पर रुक कर कहता है, अच्छा है, मेरे पास हेवनली शील्ड है,
जिसकी वजह से मेरी फिजिकल पावर आसानी से कम नहीं होती है, और वो अपनी फिजिकल पावर को पहला जैसा करने के लिए एक जगह को ढूंढने लगता है। तभी उसे आगे एक गुफा दिखाई देती है जिसमें वो जाने लगता है और वहां जाकर देखता है और इसे ऐसा लगता है कि यहां कोई वास करता है। और फिर वो एक मूर्ति को देखने लगता है और फिर वो कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। वो बैठते हैं, वहां एक ऑरा निकलने लगता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी उसके आगे वो स्टैचू आ जाता है। उसे देखकर जाक कहता है, यह तो सिर्फ एक स्टैचू था, फिर यह जिंदा कैसे हो गया? तभी वो स्टैचू कहता है, पहले हम चेस खेलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें भी। वो एक चेस को रखता है। इसे रखते ही एक साउंड निकलता है। इससे जाक किसी और जगह चला जाता है और यह देखने में एक बैटल ग्राउंड होती है। और स्टैचू कहता है, बैटल फील्ड में दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता है, तो तुम उसे कैसे बचोगे? और फिर वो जाक पर अटैक कर देता है, पर जाक उसकी सभी अटैक से बचने लगता है। और फिर वो उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। तो वो स्टैचू कहता है, तुम्हें एक सही पॉइंट ढूंढना चाहिए जिस पर तुम अटैक करके अपने दुश्मन को बड़े आसानी से हरा सकूं। तभी हम देखते हैं जाक स्टैचू की गले पर हाथ रख देता है, पर उसको मारता नहीं है। उसे देखकर उस स्टैचू भी बहुत खुश होता है और मन में कहता है, यह लड़का एक अच्छा स्वभाव का है, तो मैं इसे अपनी सारी टेक्निक और पवार को सिखाऊंगा। और फिर वो जाक से कहता है, अपने पीछे देखो। तभी वह वहां से कूद जाता है और अटैक करने लगता है और कहता है, तुम अपनी पिक्चर देखो, तुम्हारी पीछे तुम्हारी बहन है। तो जाक कहता है, मैं तो यहाँ अकेला आया था, मेरे पीछे कोई नहीं है। तभी जाक पीछे देखता है तो हैरान हो जाता है, वहाँ उनकी बहन और उनके साथी होते हैं। यह देखकर जाक उस स्टैचू से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वो स्टैचू स्पिरिचुअल पावर के बारे में नॉलेज देने लगता है और कहता है, यह सब स्पिरिचुअल पावर का है। अगर तुम स्पिरिचुअल पावर को अच्छी तरह करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। तभी वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और जाक से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो जाक कहता है, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो स्टैचू अटैक की पावर को और बढ़ाने लगता है, जिसे जाक उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और लास्ट में उस अटैक को जिस ट्राई करने का भी कोशिश करता है। और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म होता है।